Hello everyone, Swaraj Singh, welcome you all on this channel of mine with a new poem that is Desiderata by Max Ehrman. So हम लोग जानेंगे कि desiderata is a plural word of the word desideratum, okay? और it means necessities. Necessities means जरूरतें, जो हमारी life में बहुत जरूरत होती हैं चीजें. इस तरह तो basically हम लोग जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, that is a very physical quantity. बट फ्यू ऐसी थिंग्स होती हैं जैसे इमोशनल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लव, केयर, कंसर्न. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती हैं इमोशनली, और वही चीजें इस पोएम में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. गो प्लेसिडली एमिट द नॉइज एंड हेस्ट एंड रिमेम्बर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस. इसमें बताया गया है कि आजकल की जो दुनिया बहुत भीड़ भड़ाके वाली है, बहुत यू नो नॉइजी है, बहुत हेस्टली है, बहुत फास्ट है, उसमें आप स्लोली स्लोली चलो. और ये हमेशा याद रखना कि साइलेंस में सब कुछ है. सब कुछ पीस में, झगड़ा झंझट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ शांति में है, सिर्फ साइलेंस में. एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल पर्सन्स. और विदाउट सरेंडर मीन्स क्या होता है, ये कि आप हमेशा कोशिश करिए कि सबसे गुड टर्म्स में रहिए, सबके गुड बुक्स में रहिए, सबसे अच्छे वे में रहिए, सबसे लड़िए मत. और विदाउट सरेंडर मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई कुछ गलत बातें कह रहा है तो आप दब जाइए. इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट. यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स. अगर गलत हो रही है, कोई भी काम हो रहा है आपके साथ, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाइए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू जस्ट ट्राई लाइक दिस दैट यू शुड बी इन गुड टर्म्स विद द अदर पीपल एज वेल. स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली. और हमेशा जो अपना सच है उसको शुगर कोट के साथ मत कहिए. जो भी चीजें हैं एकदम साफ साफ वेरी क्लियर वे में कह दीजिए. एंड लिसन टू अदर्स. और जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है इंसान का वो क्या होता है, अगर इंसान ज्यादा बोलने वाला होता है तो किसी की सुनता नहीं है. बट हियर यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि अगर आप बोल रहे हैं, किसी को कुछ चीजें सुना रहे हैं, तो फिर उस चीजों को सुनने की भी क्षमता रखिए. बिकॉज इवन द डल एंड इग्नोरेंट टू हैव देयर स्टोरी. क्योंकि जो बहुत डल है, जो इग्नोरेंट है, जो कुछ एकदम नॉलेज जिसके पास नहीं, जो एकदम बेवकूफ है, उसके पास भी कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई बातें हैं आपसे कहने के लिए. सो बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू यू नो स्पीक टू समबडी, यू नीड ऑल्सो टू बी देयर टू हियर देम एज वेल. अवॉइड लाउड एंड अग्रेसिव पर्सन. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड नॉट बी विद वेरी अग्रेसिव पीपल, वेरी नेगेटिव पीपल, बिकॉज दे आर वेक्सेशंस टू द स्पिरिट. वेक्सेशंस टू द स्पिरिट मीन्स आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो सोल है, उसके लिए बहुत वो नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं. इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स यू मे बिकम वेन एंड बिटर. और जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि इंसान की लाइफ में वो क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी न किसी चीज से कंपेयर करते हैं. लेकिन इंसान को कभी अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए. बिकॉज मे बी अगर आपकी एक अच्छी हाइट है, ऑफकोर्स दुनिया में बहुत लोग होंगे जो आपसे ज्यादा हाइटेड होंगे, बहुत लोग होंगे जो आपसे कम हाइटेड होंगे. उन लोगों से आप कंपेयर करके अपने आप को या तो यू नो घमंड में जाएंगे, या तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिग्रेड फील करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे. सो देयरफॉर पीपल शुड नेवर कंपेयर देमसेल्व्स विद एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड. फॉर ऑलवेज दे विल बी ग्रेटर एंड लेसर पर्सन देन योरसेल्फ. सो एज आई टोल्ड यू कि आपसे दुनिया में कोई ऊंचा भी होगा, आपसे दुनिया में कोई नीचा भी होगा, कोई भी आपकी बराबरी पे नहीं है. ओके, सो यू शुड नॉट कंपेयर एवर इन योर लाइफ. इंजॉय योर अचीवमेंट एज वेल एज योर प्लान्स. और सबसे मेन चीज क्या होता है कि इंसान अपने सक्सेस को तो बहुत इंजॉय करता है, लेकिन जो स्ट्रगल डेज होते हैं, जो प्लान्स होती हैं, जो प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स उस सक्सेस को पाने के लिए लोग करते हैं, उसको इंजॉय नहीं करते. उसको सिर्फ कहते हैं ये तो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो सिर्फ एक बर्डन है, ये तो बोझ है. ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए. द वे यू आर एंजॉइंग योर सक्सेस एंड अचीवमेंट एज वेल, यू हैव टू एंजॉय योर प्लान्स ऑल्सो. Keep interested in your own career, however humble. और सबसे मेन बात क्या होता है कि इंसान को खुद के करियर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए instead of interfering in others' career. But again, you have to be humble as well. मतलब कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, बट अगर लोग आपसे राय, सजेशन ऐसा कुछ मांग रहे हैं, तो be very kind and humble to give them the suggestion and advice as well. It is a real possession in the changing fortunes of time. Because जो इंसान का खुद का करियर होता है वही उसकी पोजेशन मीन्स क्या होता है, वही उसकी सब कुछ जमा पूंजी है. और जब तक आप अपनी ही जमा पूंजी पे, अपनी ही चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, तो यू नेवर नो व्हाट फॉर्च्यून वुड कम टू यू विथ.
एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर. कॉशन मीन्स लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो मेरा लेफ्ट हैंड है, अरे वो तो मेरा राइट हैंड है, मैं उसे फुल ट्रस्ट करता हूँ. दैट शुड नॉट हैपन इन बिजनेस अफेयर. ऑफकोर्स यू हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड टू बिल्ड अप दैट बिल्डिंग, बिल्ड अप दैट यू नो थिंग्स फॉर यू, बिल्ड अप दैट बिजनेस फॉर यू. यू कैन नॉट जस्ट यू नो ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनीबॉडी एल्स. सो देयरफॉर आपको कॉशन के साथ अपने बिजनेस अफेयर्स को करना चाहिए, बहुत प्रिकॉशनली, बहुत एक कॉशियस माइंड के साथ, बहुत कॉशियस माइंड के साथ अपने चीज करना चाहिए. फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी, क्योंकि जो ये दुनिया है वो सिर्फ चालाकी से भरी है. कहते हैं ना लोमड़ी वाली यू नो जो कहावत कहते हैं. इन द सेम वे दीज पीपल आर वेरी वेरी कनिंग. टुडेज वर्ल्ड इज वेरी वेरी सेल्फिश. दे विल ऑलवेज बी अवेयर ऑफ डूइंग समथिंग और द अदर गुड टू themselves and not to others. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals and everybody's life is full of heroism. And what is this thing is ki jo virtue hai, jo bhi sab cheeze hai, wo aapko kabhi andha na hone de. Aapka jo trust, aapka jo love hai, aapka jo care hai, ye jo aise emotions hai jo kabhi bhi blindly kisi ke liye nahi karna chahiye. Because yehi sab cheeze hai जो हाई आइडियल्स, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सपनों के साथ इंसान देखता है, कह रहे हम यू नो आई हैव वेरी वेरी मच कंसर्न फॉर यू, आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू एंड दोज पीपल, बिकॉज एवरीवेयर लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म. और सभी अपने अपने लाइफ में हीरो हैं, सभी अपने लाइफ में हीरोइज्म करने की सोचते रहते हैं, अपने अपने लाइफ में सभी ऊंचा बनने की सोचते रहते हैं. और उस जर्नी में कब वो दूसरों को डिग्रेड कर दें वो कभी पता नहीं चलता. बी योरसेल्फ, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि बी योरसेल्फ, मतलब इंसान को कभी भी किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करना चाहिए. यू शुड बी योरसेल्फ, यू शुड नॉट बी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स. चेंज नहीं करना चाहिए इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू शुड चेंज इन अ पॉजिटिव वे इफ यू वॉन्ट टू डू सो. बट पीपल शुड नेवर बी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स. बी योरसेल्फ मीन्स यू शुड नेवर बी ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, कि पीछे कुछ और हो सामने कुछ और हो. यू शुड बी ऑलवेज सेम एज यू आर एवरीवेयर. Especially do not feign affection, neither be cynical about love. मतलब कि प्यार से दूर मत भागो, लेकिन सिर्फ प्यार में पागल भी मत बनो. वही वाली कहानी है. Means you should not do either thing, you should not do other thing, right? So that is the thing here in this poem. कि मतलब इंसान को balanced life जीना चाहिए, ना ही उसको बहुत ज्यादा beyond जाना चाहिए, ना ही उसको ज्यादा एकदम ही करना ही नहीं चाहिए वो काम, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. बट इंसान को हर एक चीज balanced way में करना चाहिए. For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. As perennial as the grass मतलब कि घास की तरह, जिस तरह ग्रास होता है उस तरह प्यार भी कभी भी पनप सकता है. लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो घास कहीं कल को आपको डिस्टर्बेंस न पैदा करे. आपने देखा होगा इंसान अक्सर घासों को, ग्रास जो होता है गार्डन में, उसको ट्रिम करते रहता है ताकि वो आपके गार्डन की यू नो जो ब्यूटी है उसको खराब न करे. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of you. Counsel of the years मतलब अपने old age को बहुत अच्छे से accept कीजिए, अपने wrinkles को, अपने white hair को बहुत अच्छे से accept करिए. Because of course this is the truth, this is the present of your life. Gracefully surrendering the things of you, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब आपका youth चला गया है, अब आपका old age आ रहा है. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट मतलब कि अपना जो स्पिरिट है, अपना जो सोल है, उसको इतने अच्छे से मजबूत करिए, इतना अच्छे से उसको नरिश करिए कि कल को किसी भी यू नो बुरी हालत में, बुरी मिसफॉर्च्यून में आपका जो सोल है वो घबराए ना. मतलब कि अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि कल को किसी भी अनहोनी के लिए आपका जो शरीर है, आपका जो आत्मा है वो रेडी रहे, कल को कोई भी ऐसा हार्ट ब्रेक आपको ना हो जाए. बट डू नॉट डिस्ट्रेस योरसेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग. लेकिन फिर से वही बात, जैसा मैंने कहा बैलेंस्ड लाइफ, कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना कि कल को कुछ भी हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय से गलत सोच रहे, अरे कल को मेरे साथ यही होगा, कल को मेरे साथ वही होगा. वी शुड नॉट डू ओनली सच थिंग. मैनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फटीग एंड लोनलीनेस. बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विथ योरसेल्फ. मतलब कि लाइफ में बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उस डिसिप्लिन का कोई फायदा नहीं जो आपके शरीर को फैटीग मतलब बहुत थका दे, बहुत एकदम आप उसे ऊब जाए. उस डिसिप्लिन का कोई काम नहीं. इससे बढ़िया ये है कि आप अपने आप के साथ जेंटल रहिए, डिसिप्लिन थोड़ा कम होइए, लेकिन अपने आप को हम्बल रखिए और अपने लाइफ के साथ, अपने लाइफ के रूटीन के साथ बहुत ही जेंटल रहिए,
सब चल रही है सो दैट यू कैन बी वेरी वेरी यू कैन डू वेरी वेरी वेल इन योर फर्दर लाइफ. यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स. और आप इसी यूनिवर्स के चाइल्ड है. जिस तरह इस यूनिवर्स का स्टार है, जिस तरह इस यूनिवर्स का यू नो ट्रीज है, उसी तरह आप भी इसी यूनिवर्स के हैं. यू हैव फुल राइट टू बी हियर. और आपका पूरा पूरा हक है यहाँ पे उसी तरह रहने का जिस तरह इस दुनिया में पेड़ पौधे आसमान तारे चंदा सूरज एवरीथिंग इज देयर. इन द सेम वे यू हैव ऑल्सो द फुल राइट टू स्टे हियर इन दिस वर्ल्ड. एंड वेदर और नॉट इट इज क्लियर टू यू नो डाउट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता हो या ना हो, ये जो दुनिया है वो अपने आप पे सिमटती जाती है, लेकिन आपको अपने आप को इस दुनिया में रखने का पूरा पूरा हक है. Therefore, be at peace with God. हमेशा गॉड के साथ पीस में रहिए. Whatever you conceive him to be. वो आपको जो भी देते हैं आप उसके लिए सेटिस्फाइड रहिए, कंटेंटेड रहिए, और हमेशा गॉड से अच्छे से बना के रखिए. एंड whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. और आपकी जितनी मेहनत है, जितने एस्पिरेशन है, सबको पता है कि हमेशा जरूरत नहीं है, मेहनत का फल मिलता ही है. मेहनत का फल मिलता है लेकिन कई लोगों को नहीं मिलता. उसके लिए आप भगवान से लड़ना शुरू मत कर दीजिए. कन्फ्यूजन्स मत रखिए लाइफ में. बहुत ही पीसफुली अपने लाइफ को जीए और अपने सोल को भी पीसफुली ही रखिए. विद ऑल इट्स शैम ड्रजरी एंड ब्रोकन ड्रीम्स. क्योंकि जो इस दुनिया है वो पूरा ड्रजरी मतलब फिर डलनेस भी है, ब्रोकन ड्रीम्स भी हैं, ब्रोकन पीपल भी हैं. कई बार आप अपने लव्ड वंस को खो भी देते हैं. बट स्टिल इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. बी चीयरफुल, स्ट्राइव टू बी हैप्पी. स्ट्राइव टू बी हैप्पी मतलब खुश रहने के लिए लड़िए. हमेशा खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए. एंड ऑलवेज बी मैरी एंड जॉय. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. थैंक यू वेरी मच.